वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड देखो, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जो है ना यूनिक नेम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग जो है ना उर्दू नेम यूनिक नेम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं दोनों जो है ना स्टेप एक ही वीडियो में समझाने वाला हूँ, सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब जो है अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी आईडी को अपडेट पे डाल देना होगा। मैंने जो है ना अपनी आईडी को ऑलरेडी अपडेट पे डाला हुआ है, सो आप लोग जो है ना अपनी फेसबुक आईडी को जस्ट नो पे किस तरह से अपडेट पे डाल सकते हैं, सो आप लोगों को मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने वो वीडियो देखकर अपनी जो है ना आईडी को जस्ट नो पे अपडेट पे डाल लेना है। अब देखो इस पे जो है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ था, टू फैक्टर लगा हुआ था, सो इसको जो है ना मैंने कोड देख कर इसको लॉगिन कर लिया। सो आप लोग देख सकते हैं ये वाली आईडी जो है ना मेरी ऑलरेडी अपडेट पे है। अब देखो आप लोगों को मैं दो जो है ना नेम बताने वाला हूँ, दोनों में से जो भी एक्सेप्ट होगा सो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। जो यहाँ पे जो है ना आप लोगों को मैं सबसे पहले जो अपील करने वाला हूँ वो है उर्दू नेम की, ठीक है। अगर उर्दू नेम एक्सेप्ट होता है तो आपको मैं वो भी बता दूंगा, अगर मेरा यूनिक नेम एक्सेप्ट होगा सो आपको मैं वो भी बता दूंगा। आप लोगों ने ऊपर से लिंक कॉपी करना है, आप लोगों ने टैब टू में आना है, वो लिंक यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करना है, यहाँ से ओके कर देना है, या तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा आप लोगों ने इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब देखो सबसे पहले चूज़ फाइल में आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रीन शॉट जो है ना अपलोड कर देना। तो स्क्रीन शॉट देने के बाद अब देखो फास्ट बॉक्स में आप लोग इमोजी का यूज़ कर सकते हैं, स्नैपर का यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। उसके बाद आप लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं ये वाले नेम दे दूंगा, आप लोग ये वाले नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। अब टैब टू में आना है, टैब टू में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो आपने निक नेम डाला होगा वो वाला निक नेम आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है। जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आप लोगों ने सेम इसी तरह से निक नेम देना है। उसके बाद आप लोगों ने एक दो या तीन कोई भी कैपिटल वर्ड अपनी मर्जी के हिसाब से डाल देना है। फर्स्ट में आप लोगों ने सैम्पल वाला सबमिट करना है, दैन लास्ट में आप लोगों ने जो है ना एज अ प्रूफ जो हमने निक नेम वाला यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो है ना सेम मैं दोनों को सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख लें मैंने दोनों टैब को जो है ना सबमिट कर दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल गया। सो आप लोगों ने यहाँ से इजीली ये दोनों को जो है ना यहाँ से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद अब देखो आप लोगों ने ऊपर थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश का, आप लोगों ने इसको जो है ना एक दो बार रिफ्रेश कर देना है। अब ये करने के बाद अब आप लोगों को जो है ना मैं यूनिक नेम अपील कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। सो आप लोग देख लें मैंने काफ़ी सारी अपील की हैं बट उर्दू नेम जो है ना मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो अब जो है ना मैं जो यूनिक नेम एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करूँ, अब देखते हैं कि हमारा जो है ना यूनिक नेम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, सेम इसी तरह समतर स्टेप को जो है ना आप लोगों ने फॉलो करना है। अब देखो ऊपर से लिंक आप लोगों ने जैसे पहले कॉपी किया था सेम इसी तरह से आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डाल देना है। अब देखो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्क्रीन शॉट जो है ना वो अपलोड कर देनी है। स्क्रीन शॉट अपलोड करने के बाद अब देखो फर्स्ट में मैंने पहले स्निपर का यूज़ किया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सो आप लोगों ने इमोजी नेम में भी स्निपर का यूज़ करना है, अगर नहीं जो है ना एक्सेप्ट होता सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना इमोजी का यूज़ कर लेना है। इमोजी वाले जो है ना ज़्यादातर एक्सेप्ट हो जाते हैं बट स्निपर वाले जो है ना मुश्किल से होते हैं। सो आप लोग देख लें सेम इसी तरह से आप लोगों ने सैंपल वगैरह डालने के बाद फर्स्ट में आप लोगों ने जो है ना सैंपल वाला सबमिट करना है, दैन लास्ट में आप लोगों ने एज अ प्रूफ वाला जो होगा वो वाला सबमिट करना है। सो यहाँ पर हमें लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल गया, आप लोगों ने यहाँ से इजिली दोनों से लॉग आउट कर देना है। और ये वाला रिफ्रेश जो है ना मैंने आपको जैसे पहले बताया था आप लोगों ने एक दो बार इसको यहाँ से रिफ्रेश भी कर लेना है। यहाँ से जो है ना मैं ये दोनों टैब को जल्दी से लॉग आउट कर देता हूँ। सो आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से जो है ना ये दोनों टैब को यहाँ से लॉग आउट कर देना है। अब जो है ना हम वेट करते हैं, सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मेरा कुछ टाइम के बाद जो है ना नेम एक्सेप्ट हो गया है। अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि जब मैंने स्नैपर का यूज़ किया था मेरा नेम एक्सेप्ट नहीं हुआ बट यहाँ पे मैंने एक इमोजी का यूज़ किया सो मेरा नेम जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके ऊपर जो है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन टू फैक्टर लगा हुआ है, सो इसलिए जो है ना यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो इमोजी भी शो हो रहा है। तो इसको जो है ना यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ना हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन होके आ चुका है। सो आप लोग सेम इसी तरह से जो है ना यूनिक नेम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।